वेलकम बैक। आप देख रहे हैं MTV न्यूज इंडिया को। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से मौसम को लेकर अभी अभी एक बड़े खबर निकल कर आ रही है। यूपी में आज भी आंधी तूफान के साथ भारी बारिश की संभावना। जानिए नखलाऊ सहित उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल कैसा रहेगा। तो चलिए जानते हैं किन किन राज्यों में भारी बारिश होगी, कहाँ कहाँ आंधी तूफान आएगा, किन किन राज्यों में गर्मी का रहेगा प्रकोप जारी। तो चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। उत्तर प्रदेश वेदर न्यूज। उत्तर भारत में गर्मी से नहीं राहत, इन राज्यों में मानसून की बारिश की संभावना है। जानिए आज के मौसम का हाल। उत्तर प्रदेश वेदर न्यूज। मानसून की बारिश से पहले कई राज्यों में गर्मी अपने तेवर दिखा रही है। भीषण गर्मी के बीच तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। वही कुछ राज्यों में प्री मानसून गतिविधि और बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की माने तो कुछ दिन तक गर्मी से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। आज का जानिए मौसम का हाल कैसा रहेगा। 7 से 8 जून का मौसम कैसा रहने वाला है, तो चलिए जानते हैं। दिल्ली से उत्तर भारत में कुछ राज्यों में बारिश की संभावना है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में गर्मी की राहत नहीं मिलने वाली है। मुंबई में जल्द हो सकती है मानसून की एंट्री। देश के कई हिस्सों में गर्मी अपना असर दिखा रही है। कुछ राज्यों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। कहीं कहीं आंधी तूफान आने की संभावना है। तो चलिए जानते हैं इन राज्यों में भारी बारिश होगी, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, आसाम, मेघालय, छत्तीसगढ़ सहित इन राज्यों में भारी बारिश होगी। कहीं कहीं आंधी तूफान के साथ भारी बारिश होगी। कहीं कहीं आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश होने का अनुमान जताया गया है। दिल्ली में आज 7 जून को न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 42 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। वही आज दिल्ली में दिन के समय तेज हवाएं चल सकती हैं। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। यूपी की राजधानी लखनऊ में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 43 डिग्री तक रहने की संभावना है। बात करें गाजियाबाद में न्यूनतम तापमान 28 डिग्री और अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस। जानिए इन प्रमुख शहरों में बारिश की संभावना है, जैसे दिल्ली, श्रीनगर, अहमदाबाद, भोपाल, चंडीगढ़, देहरादून, जयपुर, शिमला, मुंबई, लखनऊ, गाजियाबाद, जम्मू कश्मीर, पटना। इन राज्यों में, इन शहरों में प्रमुख शहर हैं, इनमें बारिश होने की अनुमान है और कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है। कहीं कहीं आंधी तूफान आने की संभावना है। इन राज्यों में झमाझम बारिश हो सकती है। जैसे मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिन तक कुछ राज्यों में भारी बारिश की संभावना है, और जिसमें 7 जून से 8 जून तक तमिलनाडु में बारिश की संभावना जताई गई है, और इन राज्यों में आंधी तूफान आएगा, जैसे केरल है, तमिलनाडु है, लखनऊ है, मुंबई है। इन राज्यों में कहीं कहीं आंधी तूफान आने की संभावना है। आंधी तूफान के साथ भारी बारिश की संभावना है। बता दें कि केरल के बाद पश्चिम बंगाल में मानसून की बारिश देखने को मिल रही है। वही पूर्व उत्तर भारत में आसाम के कुछ राज्यों में बारिश देखने की संभावना है। बात करें दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम। अगले 5 दिन तक लक्षद्वीप में गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। दिल्ली के आसपास के राज्यों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। बात करें तेलंगाना में छिटपुट बारिश हो सकती है। स्काईमेट वेदर की माने तो बिहार और झारखंड के पूर्वी हिस्सों में बारिश की संभावना है। झारखंड के आसपास के राज्य हैं, जैसे पश्चिमी सिंहभूम है, सरायकेला है, जामताड़ा है, इन राज्यों में बारिश हो सकती है। तो चलिए जानते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।